आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 3.3, जिसमें क्वाड्रिलेटरल्स में ही जिसमें हमें पैरेललोग्राम के बारे में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले क्वेश्चंस करने से पहले हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम जो हमने पढ़े हैं पिछले क्लास में। जो हमने पढ़े हैं एक प्रॉपर्टी इसकी है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। सपोज हम यहां बनाएंगे पैरेललोग्राम, पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स दैट इज सपोज ए बी सी डी, ए बी इज इक्वल टू डी सी, बी सी इज इक्वल टू ए डी। सेकेंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है रिगार्डिंग द डायगोनल्स। डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स कॉर्नर टू कॉर्नर ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर, दैट मीन्स ए सपोज इट इज ओ ए, ओ इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। ओके, सो वी से डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मीन्स डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स ईच अदर। ओके, द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स, एंगल वन आफ्टर अनदर। सपोज दिस एंगल, एंगल ए एंड एंगल डी, दे आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस उनका जो सम है, सम ऑफ एंगल्स जो उनका मेजर जो है दैट इज 180। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180, और इन अदर वर्ड्स और सप्लीमेंट्री। ओके, तो चार प्रॉपर्टीज है रिगार्डिंग पैरेललोग्राम। वन इज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अनदर इज अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, थर्ड इज डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, फोर्थ वन इज एडजेसेंट एंगल्स और सप्लीमेंट्री, और द सम मेजर ऑफ द एडजेसेंट एंगल इज 180। सपोज दिस एंगल एंड दिस एंगल, this angle and this angle, this angle and this angle, this angle and these are the adjacent angles, one after one ends another starts. Okay, now questions. The question number one of exercise 3.3, exercise 3.3, यहाँ पे diagram दी हुई है, so हम diagram अभी हम बनाएंगे। diagram के मतलब हमें questions पूछे गए हैं। This is A, B, C and D. A, B, C and diagonals. Sorry. A, B, C and D. Diagonals is A, C and B, D. A, C and B, D intersect each other at O. Question is, question number one. यहाँ पे दिया हुआ है, इसके पार्ट्स हैं। पार्ट फर्स्ट, गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी कंप्लीट ईच स्टेटमेंट अलोंग विद द डेफिनेशन और प्रॉपर्टी यूज्ड। प्रॉपर्टीज हमने अब लिख दिया है यहाँ। अब हमें क्या करना है, इन प्रॉपर्टीज को देख के हमें ये क्वेश्चंस करने। पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट जो है वो है एडी इज इक्वल, एडी इज इक्वल। हमने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी है अपोजिट साइड आर इक्वल। एडी इसका अपोजिट साइड जो है वो है बीसी, तो हम कह सकेंगे कि एडी इज इक्वल टू बी सी। पहली प्रॉपर्टी इसमें यूज हो गई। अब दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, एंगल डी सी बी, दिस एंगल, दिस एंगल। हमने यहां प्रॉपर्टी पढ़ी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल,
इसका जो अपोजिट एंगल है वो है ये एंगल, हम कहेंगे डी ए बी, एंगल डी ए बी। ओके बच्चों, तो पहली प्रॉपर्टी हमें यहां यूज हुई, एडी अपोजिट साइड इसका है बी सी, दूसरा साइड अपोजिट एंगल वाज इक्वल, यहाँ पे एक एंगल दिया हुआ था डी सी बी, डी सी बी दिस एंगल, हमें बोलना था ये किसके बराबर है, तो इसका अपोजिट एंगल जो है वो है डी ए बी। अब तीसरा पार्ट जो इसका है, थर्ड पार्ट, ओ सी इज इक्वल, ओ सी हमने यहाँ प्रॉपर्टी पढ़ी है डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्टिंग ईच अदर, बाइसेक्टिंग ईच अदर मतलब डिवाइड्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, सो OC, OC डायगोनल AC है, इसका हाफ है, तो इसका दूसरा हाफ जो है वो है OA, so it will be equal to OA, we third property इसमें use हुई। अब चौथा क्वेश्चन है, चौथा पार्ट इसका है, फोर्थ पार्ट इसका जो है वो है एंगल DAB, एंगल DAB इंटरनल एंगल DAB, DAB दिस एंगल प्लस एंगल सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए दिस एंगल। हमने यहां क्वेश्चन पढ़ा कि एडजेसेंट एंगल जो होते हैं आप पैरेललोग्राम दे आर सप्लीमेंट्री, सो फोर्थ प्रॉपर्टी हमें इस पार्ट में यूज होती है, सप्लीमेंट्री का मेजर जो होता है दैट इज 180, सो हम कहेंगे एंगल दिस, दिस एंगल, एंगल ए एंड एंगल डी, ए के लिए इसने लिखा है डी ए बी और दिस एंगल, और इसके लिए लिखेंगे सी डी ए, सी डी ए फॉर दिस एंगल, इसका जो सम है दैट विल बी इक्वल टू 180। क्वेश्चन नंबर वन इसी के साथ कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमने क्या देखा कि जो पैरेललोग्राम के बेसिक प्रॉपर्टीज है वो यूज करके हमने इन चार पार्टों को किया। थैंक यू, कल दूसरा क्वेश्चन।